भारत वीरों का नहीं वीरांगनाओं का देश भी है। यहाँ पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, अवंतीबाई, हाड़ा रानी, पन्ना था है, बड़ी ऐसी नारियाँ हैं, ऐसी वीरांगनाएं हैं जो इतिहास में बहुत उल्लेखनीय है, जिसमें हाड़ा रानी का जो इतिहास है वो बड़ा गौरवमयी है। ये हाड़ा रानी का कथानक है जिसने कि मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सिर काटकर रणक्षेत्र में भेज दिया था। कथानक ये है कि हाड़ा रानी का विवाह छुड़ावत से होता ही है कि उसी समय राज्य पर हमला हो जाता है। हाड़ा रानी पति को छुड़ावत को युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए बाध्य करती है, लेकिन छुड़ावत युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए हिचकिचाते हैं। हाड़ा रानी फिर उसको बाध्य करती है, लेकिन वो हिचकिचाते हैं, और उसके बाद वो युद्ध क्षेत्र में जाते हैं और वहाँ से फिर एक संदेश भेजते हैं हाड़ा रानी को कि मुझे कोई निशानी चाहिए, कोई सेनानी चाहिए। इस देश की वीरांगनाएं राष्ट्र की रक्षा के लिए किस प्रकार की निशानियां भेज देती हैं, ये पूरा इस कविता का कथानक है। पढ़ता हूँ। दासी बोली, दासी आकर के खबर देती है, छुड़ावत और हाड़ा रानी जो रंगमहल में बैठे हुए हैं वहाँ पर खबर आकर के आती है। दासी बोली, सीमा से घुड़सवार आया है। दासी बोली, सीमा से घुड़सवार आया है, मातृभूमि पर हमलावर की गुप्त खबर लाया है। झुंझलाकर बोला छुड़ावत, मैं आज न रण में जाऊंगा, हाड़ी के मधु आलिंगन में रतनारी रात बिताऊंगा। हाड़ी के मधु आलिंगन में रतनारी रात बिताऊंगा। सुनते ही हाड़ा रानी की चेहरे की त्योरी बदल गई। सुनते ही हाड़ा रानी की चेहरे की त्योरी बदल गई। चूड़ी उतार छुड़ा को दी, क्षत्राणी क्षण में बल गई। बोली बोली, क्षत्रि का बेटा तो रण में मरकर सुख पाता है, रजरथ को रग के लोहू से रंग कर रजपूत कहता है। बोली क्षत्रि का बेटा तो, बोली क्षत्रि का बेटा तो रण में मरकर सुख पाता है, रजरथ को रग के लोहू से रंग कर रजपूत कहता है। चूड़ी रो देती हाथों की, गजरा पछाड़ खा जाता है, जब पीठ दिखाकर शूरवीर जीवित रण से आ जाता है। राणा जी तुम घर में बैठो, मैं रण में लड़ने जाऊंगी। तुम माँ का दूध ले जाते हो, मैं कैसे मांग ले जाऊंगी। तुम माँ का दूध ले जाते हो, तुम माँ का दूध ले जाते हो, मैं कैसे मांग ले जाऊंगी। पौरुष का सुनकर बोलो रजपूती, रक्त कहाँ। आगे फिर बोलती, बोलो रजपूती, रक्त कहाँ, ये हाड़ी पूछ रही तुमसे। माता का गाढ़ा दूध कहाँ, धरती माँ पूछ रही तुमसे। बोलो रजपूती, रक्त कहाँ, ये हाड़ी पूछ रही तुमसे। माता का गाढ़ा दूध कहाँ, धरती माँ पूछ रही तुमसे। दुर्गम दुर्गम चित्तौड़ दुर्ग की दीवाने पूछ रही तुमसे। गोरा बादल की रक्त सनी तलवारें पूछ रही तुमसे। गोरा बादल की रक्त सनी तलवारें पूछ रही तुमसे। पौरुष का सुनकर तिरस्कार चूड़ा का लोहू खोल उठा। पौरुष का सुनकर तिरस्कार चूड़ा का लोहू खोल उठा। जय मातृभूमि जय मातृभूमि, राणा चूड़ावत बोल उठा। केसरिया बाना पहन लिए, हाथों में भाला चमक उठा। उगते सूरज सा लाल लाल, चेहरा गुलाल सा दमक उठा। रानी ने काट गुटे से कर दिया भाल ठीका लनाम। फिर बोली चूड़ा, अमर रहो अमर रहो, हाड़ी का ये अंतिम प्रणाम। लेकिन रण में भी ठगा ठगा राणा पत्थर सा खड़ा है। रण क्षेत्र में भी छुड़ावत हाड़ी का जो अनुपम सौंदर्य है वो उसको नहीं भूलता है, और वहाँ से एक सैनिक को भेजता है कि जाओ रानी से कोई आखिरी निशानी लेकर के आओ। लेकिन रण में भी छुड़ावत राणा पत्थर सा खड़ा रहा, रानी का रतन जड़ा मुखड़ा, आंखों में उसके जला रहा। फिर सैनिक से बोला जाओ रानी से सेना नहीं लाओ निशानी। फिर सैनिक से बोला जाओ रानी से सेनानी लाओ, रण विजय हमारी निश्चित हो, ऐसी सेनानी ले आओ। सुनते ही सैनिक दौड़ गया महलों में पाती भिजवाई। रानी से दासी जा बोली, अंतिम सेनानी मंगवाई, अंतिम सेनानी मंगवाई, अंतिम सेनानी मंगवाई। कायर पति पर वो झुंझलाई, फिर दासी से बोली रुक जा अंतिम सेनानी में आई, अंतिम सेनानी में लाई। दर्पण के आगे झट जाकर जल्दी जल्दी श्रृंगार किया। जगदम्बे माँ के मंदिर में मंत्रों से मांगना चार किया। जब माता मांग रही
लोहू तो मांग रक्त से भरना है, और आज तुझे हाला रानी श्रृंगार रक्त से करना है, आज तुझे हाला रानी श्रृंगार रक्त से करना है। धीरे धीरे तलवार उठा, जगदम्बे को प्रणाम किया, फिर झटके से गर्दन उतार, हाड़ी ने काम तमाम किया, मंदिर से गड़े उठी अम्बे, ले जा रही दासी सेनानी, हाड़ी के धड़ ने शीश उठा, हाथों से दे दी सेनानी, दासी कांपी भय से थर थर, सिर कटी खड़ी थी क्षत्राणी, हाड़ी का माथा बोल उठा सैनिक को दे दे सेनानी, हाड़ी का माथा बोल उठा सैनिक को दे दे सेनानी। जैसे ही सैनिक ने देखा थाली में रखा शीश कटा, हाथ बाया यूं ही घोड़ा खड़ा हो गया शीश झुका, अरे झड़ने लगे गुलाब पत्थरों की पथरीली आंखों से, टप 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 टपक पड़ा लोहू घोड़े की आंखों से, टप 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 टपक पड़ा लोहू घोड़े की आंखों से, गिरते ही लोहू की बूंदे धरती की रोदी डोल उठी, कह धन्य धन्य हाला रानी भारत माता जय बोल उठी। रण में खड़ा खड़ा चूड़ा हाथ की हाड़ी की सोच रहा था, रणक्षेत्र में चूड़ा पर सोचता है कि हाड़ी कैसी निशानी भेजती है, सुनिएगा। रण में खड़ा खड़ा चूड़ा हाड़ी की सोच रहा था, दुश्मन रजपूती सेना गिद्धों सी नोच रहा था, इतने में सेनानी ले सेवक जा पहुंचा रण में, चूड़ा उतने झपट हाथ से ली सेनानी, लहू लुहान कटे मुखड़े से व्यस्त पड़ी क्षत्राणी, छलक रहा था खून थाल से लहू लुहान की रानी, नव करता फूलों की वर्षा धरा करे अगवानी, जय हो हाला रानी जय हो हाला रानी जय हो हाला रानी। गरज उठा चूड़ा वतरण में, गूंज उठा सारा आकाश, एक हाथ में हाड़ी का कर हाड़ी का सिर करता जाता था उठा, चम 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 चमक रही थी वीरों के भालों की धार, बम 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 बोल रहे थे सैनिक रण में जय जयकार, हाड़ी हंसती जाती रण में रक्त उबलता जाता था, घोड़े पर बैठा चूड़ावत और मचलता जाता था, अंग अंग से चूड़ावत के लोहू टपक रहा था, फिर भी घायल भाग का पल पल लख लपक रहा था, अरे देख खडग की धार धरा का मन जुझार हो जाता था, चूड़ावत था एक मगर रण में हजार हो जाता था, चूड़ावत था एक मगर रण में हजार हो जाता था। आखिरी बंद पढ़ता हूं कि सर पर रुंड मुंड पर घोड़ा दौड़ रहा था, सर पर रुंड मुंड पर घोड़ा दौड़ रहा था, हाथी घोड़े ऊंट सभी के माथे फोड़ रहा था, तलवारों के घाव फूल सा खाकर बढ़ जाता था, हिनिनाद करता घोड़ा लाशों पर चढ़ जाता था, अरे लाशों का अंबार लगा था, विहसा हाड़ी का शीश लोहू से लथपथ चूड़ावत मांग रहा, माँ का आशीष कि शत्राणी का व्यर्थ कभी बलिदान नहीं जाने दूंगा, क्षत्राणी का व्यर्थ कभी बलिदान न जाने दूंगा, चूड़ावत की मातृभूमि का मान न जाने दूंगा, और जब तक रग में एक लहू की बूंद रहेगी बाकी तब तक हाड़ी वाला हिंदुस्तान न जाने दूंगा, जब तक रग में एक लहू की बूंद रहेगी बाकी तब तक हाड़ी वाला हिंदुस्तान न जाने दूंगा, अरे जब भी हमने पैर बढ़ाया पीछे नहीं हटा है, युग युग से चूड़ावत का सिर रण में सदा कटा है, और झुक जाता है महाप्रलय और मृत्यु रो देती है जब मातृभूमि के लिए कोंख बेटों को वो देती है, अरे साहस कभी न कर पाएगा उस धरती पर हमलावर जहां हाड़ियां हो जाती हैं मातृभूमि नौछावर, आज कवि की कलम और भारत माता आधारी है, क्योंकि कटा शीश हाड़ी का संपूर्ण विश्व से भारी है, संपूर्ण विश्व से भारी है, संपूर्ण विश्व से भारी है। आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फार्मेसी मेडिकल एग्रीकल्चर साइंस पैरामेडिकल लॉ एंड मेनी मोर विजिट lnctu.ac.in। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।